हम अपने में खुश हैं या नहीं ये बड़ी बात है, दूसरे के अनुपात में खुश हैं ये कोई मैटर नहीं करता। हम अपने में खुश हैं या नहीं, दूसरे के अनुपात से क्या लेना देना। दूसरे की खुशी दूसरे के जीवन से है, मेरी खुशी मेरे जीवन से है। अगर मैं अपने जीवन में प्यार से मुस्कुरा सकता हूँ, खुश हो सकता हूँ, मेरे पास ठीक है तुम्हारी तरह 56 भोग नहीं है, पर मैं मेरी माँ के हाथ के अचार से बने हुए पराठे को खाने में खुश हूँ, तो मुझे तुम्हारे 56 भोग से कोई लेना देना नहीं है। तुम धरे रखो अपना 56 भोग। बहुत सारी सब्जियाँ हैं तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे माँ के हाथ के अचार से पराठा खाने में ज़्यादा सुख मिल रहा है, मेरा ज़्यादा पेट भर रहा है, वही मुझे अच्छा लग रहा है। अपनी खुशी हमें देखनी आ जाए ना, तो हम अनुपात करना छोड़ देंगे, और जब हम अनुपात करना छोड़ देंगे तो हम दूसरे के दुख को महत्व देने लग जाएंगे। कोई बीमार है, मेरे पास दवाई है, अभी इस दवाई की मुझे तुरंत में ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी मैं दवाई ले आऊँगा, पर सामने वाला बीमार है, मैं उसे अपनी दवाई दे सकता हूँ। मेरे पास भोजन है, मैं अभी भूखा नहीं हूँ, मुझे जब भूख लगेगी तो मेरे भोजन का इंतज़ाम मैं करूँगा, सामने वाला बहुत भूखा है तो मैं उसे भोजन दे दूँगा। दूसरे के दुख को अपना जैसा समझ लेना और अपनी चीज़ों को बचाकर रखने की बजाय उन चीज़ों को दूसरे के दुख को दूर करने के लिए प्रस्तुत कर देना, ये साबित करती है कि मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझसे बड़ा आदमी कोई भी नहीं है। मेरे घर में करोड़ों रुपए रखे हैं, पर मेरे सामने कोई अभाव में तड़प कर मर गया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो मेरे करोड़ों दो कौड़ी के हैं, किसी काम के नहीं हैं। और मेरे घर में कुछ भी नहीं रखा है, पर फिलहाल में मेरी जेब में 10 रुपए थे और मैंने उस तड़पते हुए व्यक्ति को पानी पिला दिया, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। बहुत समझाया पिता ने, पुत्र संपत्ति व्यक्ति की मुस्कुराहट से बड़ी नहीं होती, कोई भी धन भीतर के सुख से बड़ा नहीं होता। हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है।